ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, गुजरात में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह के 8 बज गए हैं और दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। 93 सीटों पर आज होना है मतदान और उम्मीद ये रहेगी कि फर्स्ट फेज में जो थोड़ी मायूसी वोटर्स में नजर आई, जो वोटर्स अपने घरों से कम निकले, वो दूसरे चरण में ना हो, क्योंकि पहले फेज की वोटिंग के मद्देनजर जो आंकड़े सामने आए वो साफ तौर पर यह तस्दीक कर रहे हैं कि 10 साल की सबसे कम वोटिंग हुई है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम दिग्गज नेता अलग अलग पार्टियों के ये अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर्स सेकेंड फेज में वोट करें। कुमार कंटिन्यू करें। देखिए, निश्चित रूप से जो वोटरों की जो बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने भी ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है और वोटर कई सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। एक बात बताएं, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है आप लोगों को आज के वोट को लेके? कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है आज आप लोगों को वोटिंग को लेके? वो तो अभी करेंगे बातें। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत खुश है, नाच रहे हैं आज। अरे मेरा मोदी आ रहा है। मोदी आ रहा है इसलिए? हाँ आ रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसे। पहली बार आप कहीं और बाहर से आए हुए हैं? हाँ मैम। क्या आप बाहर से आए हुए? बाहर से आए, अमेरिका से आए। अमेरिका से आया अभी? आया। बता रहा था एनआरआईज कम्युनिटी की बात है, ये सारे के सारे लोग एनआरआईज हैं जो बाहर से आए हैं और प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्साह है। किस तरह का एक्साइटमेंट है आप लोगों को? किस तरह का, कितना एक्साइटेड है आप लोग? कितना एक्साइटेड है पीएम को देखने के लिए? कोई नेता नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। देखिए ये जो तस्वीरें हैं, जिस तस्वीरों में एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दूसरी तरफ लोग खड़े हुए हैं पीएम की अगुवानी में, ये वो लोग हैं जो न्यूयॉर्क अमेरिका से आए हैं अपने पीएम से मिलने के लिए। तो ये तस्वीरें लोकतंत्र की खूबसूरती बताती है और अपनी बारी के इंतजार में आप लोग, छोटे बच्चे भी देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग पीएम की अगुवानी के लिए खड़े हैं यहाँ पे? हमें नरेंद्र मोदी के काम के हैं और मोदी जी के सपोर्ट में हैं। सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़े हैं? यहाँ अक्षरधाम सोसाइटी पे खड़े हैं। अक्षरधाम सोसाइटी पे पीएम के सपोर्ट के लिए खड़े हैं। आपने वोट डाल दिया या डालने जाएंगी अभी? अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी वोट डालने जाएंगे। हाँ अभी जाएंगे। सीनियर सिटीजन लोग पहले वोट डाल रहे हैं जा जाके? हाँ। जहाँ पे नरेंद्र मोदी का वोट है वहीं पे आपका भी वोट है? आपका। लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए और ये सीनियर सिटीजन है, जहाँ पे प्रधानमंत्री की वोटिंग करेंगे वहाँ पे इनकी भी वोटिंग है और इसलिए सारे लोग जा रहे हैं। आप लोग वोट डालने चले कब जाएंगे? अभी एक मोदी साहब आएंगे, बाद में जाएंगे। पहले मोदी साहब को वोट करने देंगे? हाँ मोदी साहब को देंगे। तस्वीर में बता रहा था लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है कि करीब 9 बजे वो अपने बूथ के आसपास होंगे, 9 बजे के आसपास वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे।